भारत के जाने माने कवियों और कहानीकारों में से एक हैं श्री अन्नपूर्णानंद वर्मा। 4 दिसंबर 1962 को 67 साल की ही उम्र में वो हमें छोड़कर चल तो दिए, मगर उनकी कहानियां और कविताएं आज भी बच्चे और बड़े सभी खूब पसंद करते हैं। व्यंग रस में माहिर अन्नपूर्णानंद जी की कहानियों का कुछ मजा ही और है। तो आज नाटक रेडियो में प्रस्तुत है उनकी एक सुप्रसिद्ध कहानी, अकबरी लोटा। वाचक डॉक्टर शर्वरी दीक्षित। पेश है अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक के करीब किराया उतर आता था। कच्चे बच्चे अभी थे नहीं, सिर्फ 2 प्राणी का खर्च था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ कभी आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन यकायक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी वह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्योतियों में ही यों ही बीत गए और रुपए का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लग गई। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वे क्या सोचेगी? उसकी नजरों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। ये पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे? खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। उन्होंने कहा, मेरे पास तो है नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गए तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी। हफ्ते का अंतिम दिन, कल 250 रुपए या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। ये सच है कि कल रुपए न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वो कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध न कर सके तो? इसी उधेड़ बुन में लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। था तो नया, 1-2 साल का ही बना हुआ। कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम लगती थी।
लाला ने लोटा ले लिया, बोली कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे और मानना ही चाहिए, इसी को तो सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने ऐसे सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चू करता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। हाँ, लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लग गए। उस समय वे छत के मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी ये भी नियम बनाया था कि नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा था। लाला झाऊलाल मुश्किल से दो एक घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने न दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी के आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज ईजाद की थी। कहना न होगा कि ये सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी तो ऐसा ही, गली में जोर सा हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नखशीक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ में सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साहिबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े हुए अंग्रेज को उसने सांगोपान स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोष है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं। बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते पर लोटे के वार करे। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस लुनेटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे तो कुछ समझ ही नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय हो क्या गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए। पुलिस में ये मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ। पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए। अभी चला, आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे। मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूं। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं। आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं, आश्चर्य। मैं तो आपको
एक विघ्न और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। ये बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से उसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। यह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता था, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार के हो गईं। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था, उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल के कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। यह बताइए, उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया था कि मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा था या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया था या मेरा? आपका। इसीलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही, आप इसका 50 रुपए लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ, तो मैं 200 देता हूँ। अजी, मैं 250 देता हूँ। यह करकल बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उन्होंने कहा, आप 250 देते हैं, तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झपट कर लोटा ले लिया और बोले, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ला सकते हैं। पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूर जहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ने दिया, नूर जहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था, ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूर जहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टिंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध होगा। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। ये बात? हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुष्ट पुराना है।
इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा उस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल भारे प्रसन्नता से लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपए घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे का। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजने का एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर ध्यान हो गए थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले में उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए।